Hey guys, welcome to my YouTube channel Major Rishi. This is Alok Kumar. आज मैं आप सभी को NCERT साइंस चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि रूम टेम्परेचर पर जो मिल्क होता है वो कुछ टाइम बाद कार्ड के रूप में बदल जाता है, और फूड कुक जैसे केमिकल रिएक्शन के कारण फूड को कुक किया जाता है, जिसमें कि केमिकल चेंजेस होते हैं। एंड ग्रेप्स का फॉर्म होना, अंगूरों का पकना, जिसमें भी आप देख सकते हैं कि ये इसमें भी केमिकल चेंजेस आते हैं, इसी के कारण होते हैं। केमिकल रिएक्शन में 3 तरह के होते हैं, जैसे 4 तरह के होते हैं, जैसे चेंज इन स्टेट भी चेंज होते हैं उनकी, चेंज इन कलर का चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर भी चेंज होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और गैस भी बाहर निकलती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए तो उसमें ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, तो उसमें जो वाइट पाउडर बनता है वो मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में निकलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO2। आप देख सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनती है। केमिकल इक्वेशन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है, और दोनों के साथ प्लस का साइन होता है, और बीच में एक एरो होता है जो कि केमिकल रिएक्शन की पूरी डायरेक्शन बताता है। इसकी डिफिनेशन आप देख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्शियस, केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा समझाने और एंड इफ़ यूजफुल केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए हम इसको वर्ड यूज करते। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं या मैटर होते हैं जिनका कुछ मेटल्स का कुछ सिंबल्स होता है, उस सिंबल्स के कारण उनमें सिंबल्स यूज करके हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कि केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट बाई रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन जो होती है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि केमिकल इक्वेशन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो आप देख सकते हैं इसमें। आप देख सकते हैं कि इसमें ये बताएगा केमिकल बैलेंसिंग में इसमें कि क्या, आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ आटम बोथ साइड, नंबर ऑफ आटम ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन बोथ साइड। आप देख सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी उसमें नंबर ऑफ आटम बोथ साइड हमेशा इक्वल रहेंगे, अगर ऐसा है इफ़ यस, अगर हाँ तो ये केमिकल बैलेंस है, इफ़ नो देन केमिकल रिएक्शन इज अनबैलेंस, बिकॉज मास इज नॉट सेम ऑन बोथ ऑफ द इक्वेशन, द अनबैलेंस इक्वेशन को हम स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं, स्केलेटन रिएक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, इसके लिए हमको 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें बताया गया था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इसमें बताया गया था द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टोटल मास ऑफ
एलिमेंट्री पद्धति रिएक्शन। इसमें बताया कि दोनों साइड में बोथ साइड में उसके केमिकल रिएक्शन की अटल से बराबर होंगे, अगर इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस है, अगर इक्वल है तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जैसे जिंक H2SO4 जैसे ZnSO4 प्लस H2, ये देख लीजिए आपकी केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए इसमें नंबर ऑफ आटम सेम कर लीजिए, अपने हिसाब से देखकर आप कर सकते हैं। कुछ मल्टीप्लाई होगी इसकी इससे इसकी हो जाएगी, इससे आपकी केमिकल रिएक्शन जो है ये बैलेंस हो जाएगी। सो गाइस आज की वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू।